हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनबॉक्सिंग बर्नर। आज जिस फ़ोन का हम लोग रिव्यू करेंगे वो है आईटेल का विजन 2 प्लस। ये फ़ोन अभी तक पाकिस्तान मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ तो मेरे पास पहले आ गया, मैंने कहा आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले बताता चलूँ, ये जो फ़ोन है ये आपको दो वेरियंट में मार्केट में अवेलेबल होगा, एक 32 GB और 2 GB रैम वाला, एक 64 GB और 3 GB रैम वाला। दोनों के प्राइस में इतना कोई फ़र्क नहीं है तो हम लोग जो है 64 GB और 3 GB रैम वाले की जो है वो अनबॉक्सिंग पहले कर लेते हैं। तो विदाउट एनी डिले मेरा ख्याल है मैं इसके बॉक्स को खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि फ़ोन का डिज़ाइन जो है वो कैसा है। ये हमारा आईटेल का फ़ोन है, विजन 2 प्लस, 6.8 इंचेस की इसकी HD स्क्रीन है। तो इसको पहले साइड पे रखता हूँ, सबसे पहले हम लोग बॉक्स देख लेते हैं कि हमें बॉक्स में चीज़ें क्या क्या साथ मिल रही हैं। आईटेल की ये बड़ी अच्छी बात है, आपको कम्प्लीट पैकेज देता है, हर चीज़ आपको जो है वो बॉक्स में अवेलेबल होती है। देखें, हालांकि हर ब्रांड ने जो है ये हैंड फ्री जो है वो निकाल लिया, लेकिन आईटेल के बॉक्स में आपको बेशक जितना मर्जी सस्ता फ़ोन हो आपको हैंड फ्री साथ लाजमी मिलेंगे। आपको ये साथ इन्होंने अडॉप्टर भी है और ये साथ आपके जो है बॉक्स में डाटा केबल भी है, तो ये चीज़ें जी आपको साथ मिल जाती हैं। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यूज़र मैनुअल से मेरा ख्याल है इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को रखते हैं हम लोग साइड पर और जो है अब हम लोग डिस्कशन करेंगे फ़ोन के बारे में। तो इसका जो है मैं फ्रंट से ये उतार लेता हूँ, बैक पे, अच्छा बैक पे इसके मैंने कवर पहले से चढ़ा के भेजा हुआ है। मैं भी कहूँ थोड़ा जो बैक है इसकी वो डल क्यों हो रही है। ओके जी, फाइनली ये बैक जो है मैंने रिमूव कर ली है, बड़ी मुश्किल से जो है ये कवर इसके फ़ोन के पीछे से उतरा है। और ये फ़ोन जो है वो मैंने रेडी करके पहले से ऑन करके रखा हुआ था, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं आईटेल के ऑन होते हुए। बैक की बात करें, मेरे पास ब्लू कलर में है, थोड़ा सा टू टोन शेड्स हैं इसका, ब्लू, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू जो है वो दोनों मिक्स सा कलर है। ये शाइनी नहीं है, ये डल है आईटेल की, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांडिंग हुई भी है। और यहाँ पे इसके दो कैमरे हैं, पीछे ड्यूल कैमरा लिखा हुआ भी है। ये फिंगरप्रिंट स्कैनर है अनलॉक करने के लिए फ़ोन को। और फ़ोन की अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो इसका 6.8 इंचेस की इसकी स्क्रीन है, जो काफ़ी बड़ी स्क्रीन है। यहाँ पे जी ड्रॉप नॉच इसका कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का इसका पीछे जो है मेन कैमरा है। 4G सपोर्टेड फ़ोन है, एंड्रॉयड 10 इसके अंदर आता है, फेस से भी अनलॉक होगा और जो है ये आपके फिंगरप्रिंट स्कैनर से भी पीछे अनलॉक होगा। ऑक्टा कोर जी इसके अंदर प्रोसेसर डाला हुआ है, जिसकी वजह से फ़ोन की स्पीड जो है आपको अच्छी मिलेगी। अगर आपने गेमिंग शेमिंग करनी है या कुछ भी आपने कोई हैवी काम करना है तो ये फ़ोन जो है बेहतरीन आपके साथ जो है वो आपका साथ देगा। अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो इसके अंदर जो है 5000 mAh की बैटरी है, जो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी बैटरी है 5000 mAh की बैटरी। और फ़ोन को अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो फ़ोन में बिल्कुल भी लैग वगैरह नहीं है, देख सकते हैं बिल्कुल जो है वो स्मूथली चल रहा है। ये देखें, टच का रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा है फ़ोन का, कैमरा जो है वो भी इसका अच्छा है। थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस अगर मैं बढ़ाऊँ तो यस, कैमरा भी इसका जो है वो फ़ोन का काफ़ी अच्छा है। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो ये फ़ोन जो है आपको 64 GB और 3 GB रैम वाला जो है ऑलमोस्ट आपको 20 से 22 हज़ार रुपये के अंदर मार्केट में जो है अवेलेबल होगा। और इसका जो दूसरा वाला वेरिएंट है 32 2 GB वाला, ये आपको 18-19 हज़ार रुपये का मिलेगा, ये वाला आपको 20-22 हज़ार रुपये का मिलेगा। प्राइसेस मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक एक्सपेक्टेड प्राइस बता रहा हूँ कि इस फ़ोन की इतनी प्राइस होगी। और इतने प्राइस में मेरा ख्याल है फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आसानी से हर बंदा इतने प्राइस में ये फ़ोन ख़रीद सकता है इतने ज़्यादा फीचर्स के साथ। 6.8 इंचेस HD इसकी स्क्रीन है, ठीक है, इतने कम पैसों में आपको इतनी बड़ी स्क्रीन मिल रही है, 5000 mAh की आपको बैटरी मिल रही है, 64 GB जो है आपको इंटरनल की मेमोरी मिल रही है। और आप लोग मेमोरी कार्ड डाल के इस फ़ोन की मेमोरी को बढ़ा भी सकते हैं। 3 GB इसकी रैम है, जिसकी वजह से आपने जो भी गेमिंग वगैरह करनी है वो आप आराम से इसके अंदर ईजिली गेमिंग कर सकते हैं। कैमरे की बात करें तो कैमरा भी इसका हल्का नहीं है, 13 MP का कैमरा है, जो मेरा ख्याल है इस प्राइस के लिहाज से ये फ़ोन जो है एक कंप्लीट पूरा पैकेज है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी नहीं है और दिस इज़ वेरी गुड फ़ोन। मेरी तरफ से तो ये हाईली रिकमेंड फ़ोन है, आप लोग अगर आईटेल का ये फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो लाजमी ख़रीदें। कवर भी आपको बॉक्स में इसके साथ ही मिल जाएगा। हमारी इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।